मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने नामांकन किया। इस दौरान सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव व तेज प्रताप यादव तथा समाजवादी पार्टी के अन्य नेता समर्थक मौजूद रहे। नामांकन प्रक्रिया के बाद बाहर निकले अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी की जनता के आशीर्वाद से व सहयोग से आगे बढ़े हैं। नेताजी के बताए रास्ते पर हम चलेंगे। नेताजी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम सपा करेगी। डिंपल यहां से प्रत्याशी है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार यह जनता ने हमें साथ दिया है, नेताजी के नाम पर इस बार चुनाव को ऐतिहासिक वोटों से जिताकर जनता भेजेगी। डिंपल यादव ने कहा कि मैनपुरी ने नेताजी को पहचान दी और नेताजी ने मैनपुरी को पहचान दी। नेताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। हमें उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद हमारी पार्टी के साथ रहे। ये चुनाव मैनपुरी का उन परिस्थितियों में होने जा रहा है जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है। नेताजी और इस क्षेत्र की जनता से सीधा सीधा लगाव रहा है। नेताजी की अपनी शुरुआत और राजनीति का पूरा संघर्ष यही मैनपुरी से और मैनपुरी की जनता के साथ और जनता के सहयोग और आशीर्वाद से ही आगे बढ़े हैं। आज जब नेताजी बीच में नहीं है, मैं मैनपुरी की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि नेताजी के जो बताए हुए रास्ते पे हम सब चलेंगे। नेताजी का दिखाया हुआ रास्ता, जो राजनीतिक सम्मान, जो सामाजिक सम्मान और आर्थिक लड़ाई जो लड़ी है, उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का समाजवादी पार्टी काम करेगी।